दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ICICI बैंक करियर की सारी जानकारी। ICICI बैंक में आपको कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे इसमें अप्लाई करना है और कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, कब इसकी वैकेंसी निकलती है, कौन कौन इसको एग्जाम को दे सकता है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या इसका प्रोसेस है, सारी चीजें मैं आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक बताऊंगा। दोस्तों बैंक करियर में दो तरीके की वैकेंसी निकलती है। हाँ, जैसे कि ये प्राइवेटाइज बैंक है तो इनमें दो तरीके की वैकेंसी निकलती है। एक तो वो वैकेंसी निकलती है जो ओपन वैकेंसी निकालते हैं ग्रुप डी ग्रुप सी की इस तरीके की पोस्ट के लिए। दूसरा क्या है, इसमें और ऑफिसर्स की भर्ती निकलती है। वो किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ICICI बैंक करियर की वेबसाइट खोल दी, इसी में जा करके आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको जाना कैसे ये मैं बता देता हूँ आपको। गूगल पर डायरेक्ट जाकर ICICI बैंक रिक्रूटमेंट आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे ICICI बैंक करियर की इसी वेबसाइट पर ये पहला टैब आपके सामने आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप ICICI बैंक की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर कई टैब दिए होंगे, लॉग इन, न्यू यूजर, अबाउट अस, बिजनेस ग्रुप, सर्च एंड अप्लाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फ्रेशर्स, आई गैलरी, वॉक इन प्रोसेस। यहाँ पर देखिए आप किसी भी तरह के कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप वॉक इन में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी ना होने के कारण दोस्तों ये लोगों को पता नहीं और इससे थोड़ा सा जॉब की तलाश में रहते हैं लेकिन जॉब उनको मिल नहीं पाती है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। पहले मैं बता देता हूँ इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता क्या है। आप यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही इजी है और इसका बहुत ही ऑथेंटिक जेन्युइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। एप्लीकेशन है, आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा इसी वेबसाइट से, यानी कि एप्लीकेशन ICICI करियर की वेबसाइट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यू मे अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द करंट जॉब ओपनिंग दैट मैच योर प्रोफाइल। अब करंट जॉब ओपनिंग्स आपको कहाँ देखनी है, इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस में लिखा है कि जो करंट जॉब ओपनिंग है उसमें आपको अप्लाई करना है। करंट जॉब ओपनिंग आपको कहाँ देखनी है ये मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो उनको लास्ट तक देखना दोस्तों, मैं पूरा लास्ट तक वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में एप्लीकेशन के बाद शॉर्टलिस्टिंग होती है, यानी कि स्क्रूटनी होती है और आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद पर्सनालिटी प्रोफाइलर आपके पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है उसको चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है और इंटरव्यू होता है। उसके बाद ऑफर आपको दिया जाता है, निगोशिएशन होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। ये इनका पूरी तरीके से प्रोसेस है, एप्लीकेशन, सॉर्टिंग, पर्सनालिटी प्रोफाइलर, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू, ऑफर और ज्वाइनिंग। ये पूरा प्रोसेस है ICICI बैंक में जॉब को पाने का। इजी प्रोसेस है, कोई आपको सोचना नहीं है, जानना नहीं। देखिए दोस्तों इसी में आप लास्ट में नीचे आकर के फाइंड अ जॉब का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप फाइंड अ जॉब पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर बहुत सी जॉब, आप यहाँ पर जॉब कीवर्ड भी डाल सकते हैं, जैसे क्लर्क, मैनेजर, कोई भी आप यहाँ पर कीवर्ड डाल सकते हैं, आपके सामने सारी जॉब आ जाएगी। देखिए कितनी जॉब ओपनिंग्स अभी चल रही है, ये चीज देखिए यहाँ पर जॉब टाइटल, फंक्शन, लोकेशन और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस सारी चीजें चल रही है। बहुत सी जॉब में यहाँ पर देखिए 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, मतलब 0 एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, बहुत सी पोस्ट में 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आई होती है ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया हर जगह आई होती है। नहीं तो आप अपनी लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ की जॉब चाहिए, फंक्शन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और सर्च में जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी यहाँ पर जॉब आई हुई है। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 नेक्स्ट, यहाँ पर मैं इसको सेकंड नंबर पर टैब पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेकंड नंबर के टैब पर ही चला जाएगा और नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, एक बार मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर टैब पर क्लिक करूंगा, देखिए ये नेक्स्ट चला गया और उसके बाद नेक्स्ट करूंगा और ये नेक्स्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कई नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, बहुत सी पोस्ट आई हुई है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट पोस्ट का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, यहाँ पर ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर जिसमें 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसको छोड़ करके मैं एक और देता हूँ, प्रोफेशनली ऑफिसर्स प्रोग्राम, ये तो इनका प्रोग्राम है। यहाँ पर ब्रांच रिलेशन की रिलेशनशिप मैनेजर, बहुत तरीके की पोस्ट है। अब देखिए मैं ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर पर क्लिक करता हूँ यहाँ पूरी इसकी जानकारी आ जाती है। ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर यानी कि BRO की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। रूरल एंड इंक्लूसिव बैंकिंग ग्रुप जो अपने बिजनेस ग्रुप है, ये रिपोर्टिंग आपकी किसको रहेगी, ब्रांच मैनेजर को रहेगी और ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर को रहेगी। इस जॉब का क्या पर्पस है, ICICI बैंक ऑफर्स अ वाइड अरे ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमर्स फाइनेंस, जो भी चीजें हैं लोन अकाउंट, सारी चीजें यहाँ पर आपको मैनेज करना है। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जनरेट न्यू कस्टमर, प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई सेल्स प्रोस्पेक्टस, फॉलो अप एंड न्यू लीड्स ऑफ रेफरल्स, अचीविंग मंथली सेल्स, फॉलो वेरियस इंटीग्रल गाइडलाइंस, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिजॉल्व कस्टमर क्वेरीज, मेंटेन पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट। ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इतनी तरह की आपको जॉब मिल सकती है। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो बिल्कुल भी जॉब की कमी नहीं है, आप जॉब बिल्कुल पा सकते हैं और आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। सिर्फ मैं ICICI बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से बैंक है जहाँ पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा है, हालांकि इस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, मैंने इस तरीके की पोस्ट सेलेक्ट की है जिसमें एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों मांगा है। देखिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विद 2 to 6 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 या 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इसमें यहाँ पहले भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास MBA होना चाहिए, MBA आपने किया है 1 से 2 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कितनी, सैलरी कितनी रहेगी, सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से आप यहाँ पर जान सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए अप्लाई अब कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने का सेक्शन दिया हुआ है, अप्लाई हेयर की यहाँ पर
टैब दिया हुआ है लाइक हियर पर, आप जैसे क्लिक करेंगे आप इसके एप्लीकेशन जो पोर्टल है उस पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप पहले से साइन अप है तो आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके कैप्चा एंटर करके लॉग इन कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी चीज है, सब्सक्राइब टू जॉब अलर्ट। आप यहाँ पर इस टैब पर क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब टू जॉब अलर्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास जितनी भी ICICI बैंक की ये जो रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताई है कि जो रिक्रूटमेंट है तुरंत आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो सब्सक्राइब टू जॉब अलर्ट पर कर देंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए पॉपअप ब्लॉक में पॉपअप को ओपन कर ले रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर सब्सक्राइब टू जॉब अलर्ट पर करता हूँ। देखिए ICICI बैंक का क्लियर यहाँ पर आ गया है पूरा, इसको आपको क्या करना है बड़ा कर देना है। मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख देना, ईमेल आईडी लिख देना, लोकेशन लिख देना, जॉब टाइटल आपको क्या चाहिए इस तरीके से आपको पूरी चीजें यहाँ पर डाल देंगे। जैसे जॉब टाइटल अकाउंट्स मैनेजर चाहिए और जितने भी जॉब टाइटल्स आप यहाँ पर चाहते हैं कई आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद में लोकेशन आप कहाँ का चाहते हैं, जैसे लोकेशन आपका जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लोकेशन आपको पूरा एंटर कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से बहुत ही जॉब है जो भी है आपका यहाँ पर अहमदपुर और ये आलमपुर इस तरीके से आप कोई भी डाल सकते हैं। फंक्शनल एरिया क्या है आपका ये आप डाल सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ पर आप ये कैप्चा एंटर करके सबमिट कर सकते हैं। आप जॉब्स के अलर्ट के लिए इसके लिए सब्सक्राइब हो जाएंगे, इसको ये चीज़ कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बताता हूँ आपको साइनअप प्रोसेस क्या है। आपको न्यू यूज़र हैं आप यहाँ पर साइनअप कर लेंगे, साइनअप कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर साइनअप करेंगे, ध्यान रखिएगा आपको अप्लाई करने से पहले साइनअप करना यानी कि इसमें रजिस्टर्ड होना जरूरी। यहाँ पर देखिए साइनअप का पूरा फॉर्म खुल करके आ गया जिसे प्रोफाइल शीट बोलते हैं। ठीक है, प्रोफाइल शीट यहाँ पर खुल करके आ गई है जिसमें टैब सारे दिए हुए हैं। रिज्यूम आपको अपलोड करना है अपना, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है, वर्क एक्सपीरियंस डालना है अगर है तो, उसके बाद सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन डालना है और सबमिट कर देना है। ये चार प्रोसेस आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अपलोड रिज्यूम यहाँ से करना है। अपलोड रिज्यूम आपको डॉक फॉर्मेट में रखना है यानी कि वर्ड फॉर्मेट में आपको अपना रिज्यूम रखना है और यहाँ से ब्राउज कर लेना है। अपने इससे ब्राउज करके आप यहाँ से जा करके उसको अपलोड कर, उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका टाइटल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रजिस्टर है, नेम आप यहाँ पर लिख दीजिए अपना, मिडिल नेम लिख दीजिए, लास्ट नेम लिख दीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देना है, जेंडर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और पैन नंबर आपको लिख देना है। तो एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, दूसरा एड्रेस आपको एड्रेस लाइन 2 डाल देना है, एड्रेस लाइन 3, एड्रेस लाइन 4, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट करना है और पिन कोड अपना डाल देना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस डालना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा और परमानेंट एड्रेस रहेगा। अगर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो आपका दोनों हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालना है, वर्क एक्सपीरियंस डालना है और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन डालना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट होते ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा और आपके जो एचआर रिलेशनशिप मैनेजर है उनको भी आपका ये ईमेल का फॉर्म पूरी तरीके से चला जाएगा। उसके बाद में जो फर्दर प्रोसेस रहेगी वो आपको ईमेल के थ्रू बताई जाएगी। तो ये था प्रोसेस आप इसमें फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या है यहाँ पर देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं ये तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस था उसके लिए, अगर आप फ्रेशर हैं प्रेशर के लिए देखिए यहाँ पर टैब दिया हुआ है। प्रेशर के लिए देखिए सेल्स एकेडमी, प्रोफेशनल ऑफिसर प्रोग्राम, फोन बैंकिंग ऑफिसर, कैंपस रिक्रूटमेंट, बहुत सी चीज़ों पे यहाँ पर है। तो आप क्या है किसी में भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल्स एकेडमी, फोन बैंकिंग ऑफिसर, इस तरीके से आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस यहाँ पर आएगा और आपको यहाँ पर उसके लिए भी साइनअप करना रहेगा। ये फ्रेशर्स की जानकारी के लिए था, सेल्स एकेडमी के लिए भी सेम है आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन करने आएगा और ऑलरेडी न्यू यूजर के रजिस्ट्रेशन में इसमें थोड़ा सा प्रोसेस कम है और यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी फाइल एड्रेस अटैच करनी है, डॉक फॉर्मेट में होनी चाहिए, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करके, ईमेल आईडी सेलेक्ट कर देना है, पैन नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देना है और आपको अपना एड्रेस लिख देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है मतलब लिखनी और इसको आपको सबमिट कर देना है। प्रोसेस के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, प्रोसेस के लिए जैसे आप करेंगे आपका ये जॉब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस की हमने बात कर ली है और यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस की बात कर ली, अब मैं बता दूँ कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। देखिए डायरेक्ट इंटरव्यू देखिए वॉक इन प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ, जितने भी वॉक इन यहाँ पर चल रहे होंगे सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी देखिए वी आर करेंटली हैविंग वैकेंसीज फॉर द वेलो मेंशन ICICI बैंक ब्रांचेस, यहाँ पर इतनी बैंक ब्रांचेस के लिए यहाँ पर वो वैकेंसी आई हुई। उसके बाद में देखिए लोकेशन और वेन्यू के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्लिक करिए, लोकेशन वेन्यू के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हो सकता है चल नहीं रहा, लोकेशन वेन्यू के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए अगर आप वॉक इन में इसको देना चाहते हैं। तो ये हो गई जानकारी आपकी कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था, जॉब को कैसे सर्च करना है आपको और फ्रेशर्स इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। ICICI बैंक की करियर की मैंने पूरी जानकारी लगभग आपको दे दी है। वीडियो कैसा लगा वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मैं थोड़ी सी भी हेल्प आपकी कर पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना इसको मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा।